हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनिशा, वेलकम टू माय चैनल। तो ईद का फ्राइडे मुबारक हो। मैं आज भी रेडी बिल्कुल भी नहीं हुई, तो बस मैं अभी ही उठी हूँ। हाँ जी, 7 बजे, 7 बजे मेरी मॉर्निंग हो रही, मतलब किस हिसाब से कि रूम में थी। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ और अब मैं रेडी होंगी, फिर हम लोग बाहर जाएंगे और आज का मैं आपको प्रॉपर अपना डे व्लॉग दिखाऊंगी। ओके, तो लेट मी जस्ट गेट रेडी। तो हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं, देख सकते हैं एक्चुअली मिरर वहां पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख के वो पीछे। इट इज डन। बाल मेरे भी बहुत गीले हैं, बालों को कंघी नहीं करते जब बाल गीले होते, तो मैं बाल कंघी नहीं कर रही। थोड़ा सा बॉडी स्प्रे थोड़ा सा पीछे लगा लेता हूँ। तो आइए सुनते हैं पीना लाइक पलर रेमिक्स। अच्छा, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, अपने पेरेंट्स को देखूँ। यार मैंने अपने पेरेंट्स को आई थिंक खाना भी नहीं डाला आज। एक्चुअली वो जो लड़का अपने पेरेंट्स के लिए रखा हुआ था वो वेकेशन पे गया हुआ। चलो हम चलते हैं। तो हम बाहर आ गए हैं और वो हमारे पेरेंट्स हैं और पता नहीं इनके पास खाना है या नहीं। ओ गाइस देखो, मैं इसको खाना डालने आई थी, ऊपर छिपकली बैठी है। भाई इस छिपकली को भगा। मामा तेरी बहन, और तुम्हारी कहाँ से हो? शुक्र है भाग, और तो कोई नहीं है। नहीं है, ये मेरी साइकिल है, मैं ये बहुत शौक से चलाती थी, पर अब जहाँ पे हम शिफ्ट हुए ना, यहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये आपको बाहर रोड है, तो उसकी वजह से साइकिल नहीं चला सकती, बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां आ रही होती है। चलो मैंने इनको खाना डालना है, ये इनका खाना बाहर ही लगाया हुआ है हमने। ओह माय गॉड, पानी भी नहीं है बेचारे के पास। अच्छा सारा तो मैं नीचे गिरा रही हूँ, क्योंकि ये जूजी है, इसको मैंने पाला है जब ये छोटा था, इसकी मम्मा ने इसको फेंक दिया था। अब तो इनकी मम्मा भी मर गई है, सिर्फ 5 रह गई मेरे पास। और एक शॉकिंग चीज बताते हुए, छिपली तो नहीं, ये देखें उसके अंदर ना आपको शायद नजर आ रहा होगा अंडे। इसके अंदर 4 अंडे थे, ऊपर एक बैठी हुई थी, क्या कहते हैं, इसमें 4 अंडे पड़े थे और इसमें टोटी बैठी हुई थी। आई डोंट नो वो कहाँ गायब होगी। यार हर जगह छिपकली है, छिपकली है। ओह माय गॉड, ये छिपकली है यार यहाँ पे तो। चलो अब हम वापस अंदर को जाते हैं, क्योंकि बाहर मैंने सोचा था कि छत पे जाऊंगी, लेकिन रात हो गई है। देखें हमारे घर में कैमरास लगे हुए हैं। हेलो, मैं नजर आ रही है में? अरे खैर, अब रात होगी तो ऊपर क्या करना, अंदर कमरे में चलते हैं। आशी मोहम्मद आशी, व्हाट हैपेंड टू यू? हाँ जी, आप इतने गुस्से से क्यों देख ले हो? आप इतने गुस्से से क्यों देख ले हो? ये इसको लिपस्टिक लगाई हुई है मैंने, चुमिया गल गल के। ये पिछला देते हैं आपको, छिपरियां ला देते हैं, छिपरिया। मामा का छटके जाए, मामा छटके जाए। अच्छा वो रो रहा है, वो कह रहा है मुझे पकड़ के रखो। यार चलो अब हमने बाहर जाना है, मैं अपने बाल छूटने का वेट कर रही हूँ, फिर जाना है। तो बाल मेरे थोड़े ड्राई होने, फिर हम बाहर जाते हैं। आ रहा है। हम बाहर जाने वाले थे लेकिन मुझे लगता है कैंसिल हो गया, तो देखते हैं। अब हम दीदू के साथ खेल रहे हैं। दीदू ये दीदू चिद्दू है, ये दीदू है। पूरा कहाँ पर चला गया? पीटू के काम चेक करो, क्या कर रही है, कहाँ पे गलत किया था आपको? चलो छोड़ दिया आपको, चेक करो यार कितनी ज्यादा, कितना इसका डार्क कलर था जब ये लगी थी, और अब देखो एक दिन दो दिन, तो आज दूसरा दिन है नहीं, चलो थर्ड डे है, लेकिन फिर भी देखो मेहंदी का कलर बिल्कुल उतर गया। बाय 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 बाय। ये दीदू के हाथ है, चिज्जू के हाथों हाथों है, ये चिज्जू से है। आइए चिज्जू, यू आर माय हनी फनी पिकअप, यू माय शेरी फल।
चलो अब हम मार्ट में दाखिल हो गए हैं। हमने सबसे पहले तो दूध लिया यहाँ से और फिर कुछ चीज़ें ली अपने लिए, और उसके बाद मुझे नज़र आए पॉपकॉर्न। फिर मैंने तीनों फ्लेवर के पॉपकॉर्न्स उठा लिए, स्वीट और साल्टी और स्पाइसी तीनों फ्लेवर के उठाए। उसके बाद मैंने बिल पे किया। उसके बाद हम लोग बाहर गाड़ी में खड़े रहे क्योंकि हमने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था आप देख सकते हैं। फिर हमने ये पिज़्ज़ा खाया, जिंदर लिए थे हेलो। तो ये है अंडा, इसको सर पे मारते हैं लेकिन अपने नहीं है, किसी और के। तो आप देखिए मारू यार, मैंने तो आपको रोटी बनाते दिखाना था, मैं कैमरा कहाँ पे रखूंगा। मेरे समझ नहीं आती, तेरे समझ नहीं आती, तेरा कितना कर दे हाँ, तेरी शर्ट ना ले दे। पता नहीं कैसे कहते हैं, मुझे गाने नहीं आते, सॉरी बहुत शरीफ लड़की। अच्छा पहले अंडा खाएंगे। आराम आता है दीदार से मेरे खुद के, किसी के दीदार से मैं आराम नहीं आता। हम ना अंडे पे ना थोड़ा सा, पहले अंडे में नहीं, मैं एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपको नजर तो आ नहीं रहा, चलो मेरा मुंह देख लो है क्या करना है। आप अंडा देख के बनाना तो आपको आता ही है, कौन सा इतना मुश्किल ना। लाल मिर्च लेंगे, ये जैम नहीं मिर्च है। We are digital peoples. ये लो भाई मिर्च डाल दी, हम नमक लेंगे, नमक डाल दी। पानी में मिक्स करने से ना ये जो छोटे छोटे बंदर थे ना, हमें जाते हैं वो नहीं बनते। आइए हमने इसमें अंडा फेंटना है, इससे फेंट देते हैं, इसे नहीं फेंटता है। चम्मच ले लेते हैं, ये लो है, ये तुम लोग खा लो। अंडे का बहुत फायदा है, अंडे को आप मुंह पे लगा सकते हो, अंडे को आप बालों पे लगा सकते हो, अंडे की आप बहुत सी चीजें कर सकते हो, और अंडे की आप खाना भी बना सकते हो। क्या क्या अंडे का अपने तोतों को भी खिला सकते हो। मैं विंटर्स में अपने तोतों को ना वो भूरा करके ना अंडे और ब्रेड खिलाती थी सम टाइम, नॉट डेली, मतलब कि ये भी आप खिला सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अंडे से आप बच्चे भी निकाल सकते हो, मेन पॉइंट है। अब मैं मोबाइल यहाँ पे रख देती हूँ, सही है ना यार। ये लाइट है ना, मैं लाइट के पास आ जाती ताकि मैं सही नजर आए। तो ये अंडा है और हमने इसको फेंट लिया है, सही है। अब हमने रोटी बनानी है और आटा लीजिए पड़ा है, हम निकाल लें, सही है। मैं आटा निकाल लूँ, आटा तो आ गया, हमने इसको हमें क्या करना है, आटा लेना है, मैं रोटी बहुत छोटी बनाती हूँ, इसको नहीं पता तो बता दू। अभी तो मेरी हाथ की मेहंदी भी उतरी और मुझसे काम करवाया जा रहा है, नाइस स्टाइल होता है, नई बहुओं के लिए होता है डायलॉग। मैं देखने को यहाँ पे छिपली छिपली तो नहीं है, आजकल मौसम ऐसा है कि छिपली कहीं भी आ जाती है, जैसे मेरे पहले हुआ है। चलो भाई अब ये गोल अंडा बन गया, बिल्कुल बॉल नहीं, नीचे से गोल नहीं बना रही थी, ये गोल अंडा बन गया। अब हम इसकी बनाएंगे रोटी, रोटी बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मजे की गोल मटोल रोटी बनाई है। ये मैं समझना कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, पावर ऑफ एनी है। अब हमने इसको बेलना है अच्छी तरह से, डेढ़ मार सवा चार, इतनी सी रोटी मिनिमम बनाती, इसे बड़ी बनाती है। ओहो चूल्हा तो जलाया नहीं हमने, चूल्हा कौन सा यार, कोई होना चाहिए। जब बार बार आपके बाजू ऊपर करें, मेरी तो शर्ट भी नीचे लग रही है, पहले मैं शर्ट को ऐसे कर रही हूँ, बेल रही हूँ, नीचे रखती हूँ, आपको नजर आए कि मेरा हम रोटी तो बेल रहे हैं, आपको भी नजर आए, मेरा मुंह नहीं नजर आएगा। चलो खैर अब मेरे मुंह का आपने करना भी देगा, आप इसी को देखो जो बन रही है।
दीदार से मेरे मुख जाते हैं, मैंने तुझे देखा गटरों में नालों में। देखे गाइस रोती बांधने वाली है यार, ये जो है ना बेलना और ये खराब हुआ है, मुझे नया लेने वाली। अजान आ रही है, मैं बोलने वाली। थोड़ा सा और आ गया इसमें, पर चलो खैर है। देखो गोल गोल बनी है, अब हम इसको ऊपर इसको रोल बंद करते हैं, ये लगेगा अब हम इसको ऊपर डाल देंगे। तो ये हमने बनाना स्टार्ट की रोटी, और फिर हमने रोटी बना ली। उसके बाद फिर हमने अंडे बनाने के लिए ऑयल डाला, ये अंडा बन गया, अंडा हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हमने अंडे को टिश्यू पे रखा क्योंकि उसमें ऑयल होता है, तो ज़्यादा ऑयल तो खाते नहीं आपको पता है हम लोग। उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया, फिर हमने इसको लेकर बाहर गए। गर्म बहुत था, मेरे हाथ पे लग गया था, बाहर लेकर गए। उसके बाद फिर हमें याद आया सालन तो हमने गर्म नहीं किया, फिर हमने कहा चलो अभी हम सालन गर्म करते हैं। और सालन के लिए हमने एक प्लेट ली, एक चम्मच लिया जिसे सालन निकालना था। फ्रिज में सालन पहले ही मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था। भिंडी मेरी फेवरेट है, मैंने भिंडी ही बनवाई थी क्योंकि मैं मटन चटन नहीं खाती। फिर मैंने भिंडी डाली और उसके बाद मैंने भिंडी को ओवन में रख के गर्म किया। पहले मैंने कहा सालन वापस रख लूँ, ख़राब हो गया तो भाई हमें भी मटन खाना पड़ेगा ना। लो जी सालन गर्म हो रहा है, गर्म होने चाहिए। यार बहुत गर्मी है, देखो मुझे कितना पसीना आ गया, इसलिए मैं कुकिंग की अभी रेसिपीज नहीं दे रही हूँ। अब वैसे भी हमने घर चेंज कर देना, वहाँ पर थोड़ा किचन भी अच्छा होगा, चीज़ें प्रॉपर। इसका शेल्फ बहुत छोटी है, चीज़ें रखी नहीं जाती प्रॉपरली ना, तो इनशाला फिर जब घर चेंज करेंगे ना। हाँ हम इधर रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, पर ये घर हमने सेल करना है इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और ये कितना प्यारा चांद निकला हुआ दिखाती हूँ, ओह ये चांद है। बहुत गर्मी है, मुझे तो पूरे जिसम पे ईचिंग होना स्टार्ट हो गया। हो जाए भाई तुम गर्म, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी सर्दियाँ आ जाए फिर मैं इस किचन में भी कुकिंग की क्लासेस दे लूँगी। मेरा मूड है, कल मैंने बनाने हैं वो क्या बनाने हैं, मटन कढ़ाई, तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं इसको। ओके भिंडी मेरी फेवरेट है, और किस किस की भिंडी फेवरेट है, चलो अब खाने चलते हैं। खाना खा लिया मैंने, और अब ये इतनी बड़ी बड़ी इतनी तेज जूस लगी हुई है, मरियम नवाज फजूल की चिल्लाने लगी हुई है, पता नहीं क्या कह रही है। 130 रुपए पेट्रोल कम कर दिया उसने शहजादी ने, हैं 250 में से 150 रुपया मार्केट का रेट है वहाँ का, क्या फायदा फजूल ही। मैं भी भाई पीटीआई की सपोर्टर हो गई हूँ, पहले मैं नहीं थी पर अब मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ। चलो अल्लाह हाफिज, आज का ब्लॉग खत्म हुआ। मुझे पता है चल जाके मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज बंद करना है। ओके अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरी बाकी वीडियोस भी देखें। ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हाँ तो ये मेरा बॉलिंग दिन गुजरा था, ठीक है बाय।